वास्तव युद्ध में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर जिला इंडी शहर में बस स्टैंड में सरप्राइज कोकरणी का जो बेकरी जलकर खाक हो गया, तो सीधे पता चला कि बाजू वाले की दुकान जल गया है। इस सुनने के बाद सरप्राइज हैरान हो गए। अब तो सवाल यही उठता है, ताकि जलकर खाक होने तक अब तक आसपास भी चौराहे में जो बस स्टैंड है, तो क्यों नहीं पता चला उनको। अब तो बेकरी जलकर खाक हो गई, कई इलाकों का इनका नुकसान भी हो गया है। अब तो शहर के पुलिस थाने पर तो शिकायत हो गई है, मगर ये आग कैसे लग गई या लगाया गया है, तो फिर सैकड़ों सवाल तो यही उठता है। ताकि पूरा बेकरी जलने के बाद जब दुकान के मालिक को मालूम होता है, तब तक रात भर दुकान जल गया है, तब तक तो यहाँ पर कोई इस बस स्टैंड में कोई वॉचमैन, कोई सिक्योरिटी गार्ड या तो कोई ना कोई रहना जरूरी है। आखिर क्यों नहीं मालूम हो गया, ताकि सरप्राइज का दुकान पूरा जलकर खाक होने के बाद में ही क्यों पता चल गया। सैकड़ों सवाल यही उठता है, क्या ये शॉर्ट सर्किट से ही क्या सचमुच जल गया है, क्या किसी ने जला दिया है। आखिर इसकी तहकीकात तो इंदी शहर के पुलिस वाले ही कर सकते हैं। तो अब कई लाखों का नुकसान हो गया, शायद अब भरपाई करेगा कौन, आखिर इनका नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है, देखेंगे एक रिपोर्ट में। करीब 6 बजे इंडी बस स्टैंड में KSRTC अंदर, यहाँ पर सुबह 6 बजे आग लगी है दुकान को। जब मुझे फ़ोन आया, मैं आया तो दुकान पूरी तरह जला था। अग्निशामक को कॉल किया, गाड़ी आई और बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी यहाँ पर असर नहीं हुआ। पूरी तरह जल गया है दुकान। इसमें काउंटर था, फ्रिज था, फर्नीचर था, माल मटेरियल बहुत था, पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरह जल के ये हो गया। कितना नुकसान है? करीब 4 से 4.5 लाख तक का नुकसान हुआ। अपील करें कहाँ भी? मैं अभी तक तो क्या भी नहीं करें। इसके बाद तुमना कैसा मालूम हुआ जले कर, कौन बोला? फोन आया हमको एक बाजू दुकान से कि ऐसा सा आपकी दुकान पर आग लगी है, तो हम फौरन आए तो आके अग्निशामक को कॉल करें, तो पूरा दुकान कुछ भी नहीं था।